नमस्कार, इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब ठंड के आसार बढ़ने लगे हैं, पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड में बर्फबारी का असर दिखाई देने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने लगी है। गुरुवार को हुई हल्की बारिश ने गलन बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आज सुबह से ही कई जिलों में धुंध व बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 8 दिसंबर तक सुबह और शाम को धुंध या हल्की कोहरा छा सकता है। आज से पड़ सकता है कोहरा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सोमवार को हुई हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत में कोहरे की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 8 दिसंबर तक हल्का कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही शीतलहर भी चलेगी। शीतलहर चलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गलन बढ़ेगी। आगरा में गुरुवार को हुई बारिश से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 21 सेल्सियस 4 डिग्री रहा है और वहीं 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मेरठ में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है। शीतलहर से कम हुआ है प्रदूषण। आपको बता दें, शीतलहर से चलने से ठंड बढ़ी है, लेकिन इससे प्रदूषण में भारी रुकावट और भारी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवा चलने से प्रदूषण कम हुआ है। मौसम विज्ञान रंजीत सिन्हा का कहना है कि शीतलहर से प्रदूषण में कमी आएगी, AQR का स्तर भी सुधरेगा। आने वाले दिनों में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने के आसार भी हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।